हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एंड स्क्रीन में किसी भी वीडियो को आप कैसे आसानी से लगा सकते हैं और अपने YouTube का चैनल भी आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको फटाफट बता देते हैं कि कैसे आप आसानी से एंड स्क्रीन में YT स्टूडियो में लगा सकते हैं, क्योंकि पहले जो आता था स्टूडियो मोड वो अब नहीं खुलता है। अब जो भी खुलता है वो स्टूडियो में ही खुलता है, YT स्टूडियो में ही खुलता है। और वहाँ से आपको एंड स्क्रीन कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ सबसे पहले यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है आपको, या कोई सा भी जो ब्राउज़र में आप लॉगिन करते हो वो ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद YouTube ओपन करना है। YouTube ओपन करने के बाद आपको यहाँ से आपको इसको डेस्कटॉप साइड में खोल लेना है। तो आप जैसे ही इसको डेस्कटॉप साइड में खोल दोगे, उसके बाद आपके सामने ये पूरा डेस्कटॉप साइड में खुल के आ जाएगा और कोने में जो आपका लोगो आएगा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये देख रहे हो साइड में सबसे कोने में, तो यहाँ से मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। सॉरी, ये दूसरा वीडियो। तो ये जो साइड में कोने में लोगो दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है योर चैनल। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। उसके बाद कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। तो कस्टमाइज, जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करोगे, उसके बाद ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से वीडियो मैनेजर में ओपन कर देना है। तो पहले जो वीडियो मैनेजर में ओपन करते थे तो वो पुराना वाला खुलता था, लेकिन अब ये YT स्टूडियो मोड में खुलता है। ऐसा खुलता है, अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हो वो आप वीडियो को ध्यान से देखो और आसानी से किसी भी वीडियो और किसी भी चैनल का लोगो आसानी से लगा सकते हो एंड स्क्रीन में। तो चलिए, मैं सबसे ऊपर वाला वीडियो है इसी में एक वीडियो को ऐड करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ये सारे वीडियो आ चुके हैं, तो सिंपली आने के बाद आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये जो वीडियो है इसके साइड में जो ये आपको बॉक्स दिख रहे हैं, ये बॉक्स पे जिस वीडियो में आपको एंड स्क्रीन लगाना है उसके साइड वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बॉक्स वाले पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेंसिल का निशान है इस पे क्लिक करना है एंड स्क्रीन जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये खुल के आ चुका है। और खुलने के बाद यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन और भी बहुत सारे सिस्टम है, सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ करना है एंड स्क्रीन सेट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंड स्क्रीन का सेटिंग है। तो आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ से बोलेगा जो कि आप कैसा लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से बताने के लिए। तो आप अगर यहाँ पे दो वीडियो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, या नहीं तो एक चैनल एक वीडियो लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको दो वीडियो लगा के बता देता हूँ, या आप अपने हिसाब से जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से दो वीडियो पर ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर दो वीडियो आ गया है दोनों साइड में। तो पहला वाला वो आया है तो उस पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है जो कि वीडियो डालने के लिए, तो चॉइस वीडियो नीचे वाले पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आपके सारे वीडियो खुल जाएंगे। खुलने के बाद जो भी वीडियो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे वो वीडियो एंड स्क्रीन में शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक वीडियो सेलेक्ट हो गया है और दूसरा वाला जो है वो अभी खाली है। तो दूसरा वाले के लिए भी एक वीडियो चाहिए, तो मैं दूसरे वाले पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ से चॉइस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ चॉइस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसके लिए भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक वीडियो इसके लिए भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों साइड एक एक वीडियो शो हो रहा है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है, सबसे लास्ट में सेव पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये इस वीडियो पे सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको प्ले करके भी बता देता हूँ ये वीडियो। तो चलिए मैं YouTube पे चलता हूँ। तो यहाँ से YouTube पे गया, YouTube ओपन किया। ओपन करने के बाद चैनल ओपन कर लेता हूँ डिजिटल फ्रेंड। तो उसके बाद सबसे पहला जो वीडियो है ये है, तो आप इसमें देख सकते हो एंड स्क्रीन में लगाया है मैंने वीडियो, तो वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एंड स्क्रीन में वीडियो भी शो हो रहा है आसानी से, और एक चैनल भी शो हो रहा है, मैंने चैनल भी सेट कर दिया था इसके लिए। तो आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे अगर कोई भी आपका वीडियो देख रहा है अगर चैनल पे क्लिक करेगा वो आसानी से यहाँ से सब्सक्राइब कर सकता है। अगर कोई वीडियो दूसरा देखना चाहे तो जैसे ही वो वीडियो पे क्लिक करेगा तो आपको मैं क्लिक करके बता देता हूँ, ये वीडियो पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक ये प्ले हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।